अंग्रेजी में जब हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स की हेल्प लेनी पड़ती है कि आखिर किस तरह से हम अपने क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, डिजाइन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं वर्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर हाउ लॉन्ग। फॉर हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब से। जब आप टाइम ड्यूरेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करते हैं किसी से, या फिर आप टाइम ड्यूरेशन से रिलेटेड किसी को कोई सवाल करते हैं, तो वहां पर आप फॉर हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? जैसे तुम कब से देख रहे हो, यानी कि आप यहाँ पर एक टाइम ड्यूरेशन पूछ रहे हैं भाई कितनी देर हो गई तुमको देखते देखते। तो हम बोल सकते हैं फॉर हाउ लॉन्ग आर यू वॉचिंग। फॉर हाउ लॉन्ग आर यू वॉचिंग, आप कब से देख रहे हो या फिर तुम कब से देख रहे हो। वो कब से खेल रहा है, तो देखिए हम बोल सकते हैं फॉर हाउ लॉन्ग इज ही प्लेइंग। फॉर हाउ लॉन्ग इज ही प्लेइंग, वो कब से खेल रहा है। तो यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर हमने टाइम ड्यूरेशन पूछे किसी से, ठीक है। तो वहां पर आप फॉर हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो टाइम ड्यूरेशन पूछने के लिए और भी बहुत सारे आप वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, उनको हम आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम वैन। फ्रॉम वैन का मतलब होता है कब से, और पीछे जो हमने देखा था फॉर हाउ लॉन्ग, इसका मतलब भी होता है कब से। तो यहाँ पर तो हमने एक टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात की है, लेकिन जब आप फ्रॉम वैन का इस्तेमाल करोगे तो इसके द्वारा आप दो चीजें पूछ सकते हैं। एक तो पूछ सकते हैं स्टार्टिंग टाइम, कि जब आप जो कार्य था उसके स्टार्टिंग टाइम के बारे में पूछना चाहते हैं कि वो कब से शुरू हुआ है ना, तो तब भी आप फ्रॉम वैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप फिक्स टाइम पूछने के लिए भी फ्रॉम वैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि तुम कब से देख रहे हो, है ना। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम वेन आर यू वॉचिंग। अब यहाँ पर हमने टाइम ड्यूरेशन नहीं पूछी है, हम एक तरह से ये पूछना चाहते हैं कि कब से तुमने देखना स्टार्ट किया, 1 बजे से, 2 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, कब से, ठीक है। तो फ्रॉम वेन आर यू वॉचिंग। नेक्स्ट है वो कब से जाएगा, तो ये है फ्रॉम वेन विल ही गो। फ्रॉम वेन विल ही गो। अब ये जो दोनों ही सेंटेंसेज हैं, ये पहला वाला जो सेंटेंस है वो तो है प्रेजेंट के कंटिन्यूस से रिलेटेड, और जो दूसरा वाला है ये है फ्यूचर टेंस का, क्योंकि भविष्य की बात यहां पर की गई है कि वो कब से जाएगा। तो फ्रॉम वेन विल ही गो, इस तरह से। तो देखिए यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, बच्चों के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। A to Z वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको दिया जाएगा। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और इसका जो प्राइस है वो है सिर्फ 299, ठीक है। तो वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप हमारी ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इनको भी परचेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हुम। हुम का मतलब होता है किसको या फिर जिसको। किसको या जिसको, दोनों ही सेंसेज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप कई बार बोलते हैं ना, आप भाई मैं उसके साथ खेलने के लिए जा रहा हूँ, तो आपके घर वाले पूछते हैं ना किसके साथ, तो बोल सकते हैं विद हुम। किसके साथ, विद हुम। तुम किसके साथ हो, तो बोल सकते हैं विद हुम आर यू। विद हुम आर यू, तुम किसके साथ हो। तो इस तरह से विधुम का मतलब होता है किसको या जिसको, ठीक है, वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब ना हम पहले इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे हम हुम हो गया, वट हो गया, वाई हो गया, इन सब का हिंदी में क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर जैसे वट है, वट, वट को हिंदी में हम कहते हैं क्या, या फिर जो के द्वारा भी हम इसको बोल सकते हैं वट, ठीक है। एक है वाई, वाई का मतलब होता है क्यों। एक है वैन, वैन का मतलब होता है कब या फिर जब। देखिए वाई का इस्तेमाल तो हम तब करते हैं जब किसी से हम रीजन के बारे में बात करते हैं, किसी से कोई रीजन पूछते हैं भाई ऐसा क्यों हुआ, है ना। और वेन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम टाइम के बारे में बात करते हैं, समय के बारे में बात करते हैं। वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ या फिर जहाँ। वेयर का इस्तेमाल होता है जब हम किसी से कोई प्लेस से रिलेटेड, किसी स्थान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे, यानी कि जब आप किसी से कोई टेक्निक पूछते हैं कि भाई ये कैसे हुआ, तुम वहाँ कैसे गए, वहाँ कैसा रहा, है ना, तो वहाँ की परिस्थिति के बारे में जानने के लिए, कोई टेक्निक जानने के लिए भी हम हाउ का इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट है हु। हु का मतलब होता है कौन या फिर जो के इस्तेमाल में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी वर्ड्स को हम कहते हैं डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स। डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए इन सब में डब्ल्यू एच है, डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच, यहाँ पर एच और डब्ल्यू आगे पीछे है लेकिन है डब्ल्यू एच, तो इसलिए इन्हें डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ और। तो नेक्स्ट है हमारा विच। विच का मतलब होता है कौन सा या फिर जो। देखिए विच का इस्तेमाल हम करते हैं निर्जीव वस्तुओं के लिए, और हु का इस्तेमाल करते हैं
सजीव वस्तुओं के लिए। यदि आपको किसी व्यक्ति से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, जैसे कौन सा व्यक्ति है, कौन सा यहाँ पर आया था, तो आप हु का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यदि आपको किसी वस्तु से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है तो तब आप विच का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है हुज। हुज का मतलब होता है किसका या फिर जिसका, किसका या जिसका, इन दोनों ही सेंसेस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार आप बोलते हैं ना, ये किसका बैग है, ये किसका फोन है, ये किसकी घड़ी है, तो इन सब के लिए आप हुज का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हुम। हुम का मतलब होता है किससे या फिर किसको, किससे या किसको, आप दोनों को हुम के द्वारा बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी। हाउ मैनी का मतलब होता है कितने। जब आप वस्तुओं के बारे में बात करते हैं, अच्छा, जब काउंटिंग, जिन वस्तुओं की आप काउंटिंग कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उन सबको तो हम यूज करते हैं हाउ मेनी के द्वारा। लेकिन हाउ मच का मतलब भी होता है कितना या कितने। हाउ मच में और हाउ मेनी में डिफरेंस क्या है। हाउ मेनी का मतलब है जिनको आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और हाउ मच का मतलब है जिनको आप काउंटर गिन नहीं सकते बल्कि एक अमाउंट में लेते हैं। जैसे चीनी हो गई, तेल हो गया, या फिर और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको आप एक अमाउंट में लेते हैं, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 1 liter, 2 liter, इस तरह से, तो उनको हाउ मच के द्वारा बोलेंगे। और हाउ मेनी का मतलब है जिनको आप काउंट कर सकते हैं, जैसे चेयर हो गई, कुर्सी हो गई, पैसे हो गए, इन सबको आप काउंट कर सकते हैं। अंटिल वैन। अंटिल वैन का मतलब होता है कब तक। जब आप किसी से बोलते हैं ना कि तुम कब तक यह काम करोगे, कब तक तुम जाओगे, तो वहां पर आप अंटिल वैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सिंस वैन। सिंस वैन का मतलब होता है कब से। सिंस वैन का मतलब होता है कब से। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम वैन। फ्रॉम वैन का मतलब भी कब से होता है, और फॉर हाउ लॉन्ग का मतलब भी कब से होता है। अच्छा, फ्रॉम वैन और फॉर हाउ लॉन्ग, इन दोनों को तो हमने वीडियो की शुरुआत में देख लिया था। सिंस वैन का मतलब भी सेम ही होता है, कब से, ठीक है। तो इन तीनों का मतलब कब से ही होता है। ये तीनों ही आपके समय के बारे में पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है विद होम। विद होम का मतलब होता है किसके साथ। अब इसको भी हमने देख लिया था अभी पीछे, विद होम किसके साथ। नेक्स्ट है फॉर होम। फॉर होम का मतलब होता है किसके लिए। जैसे कई बार आप किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं ना, भाई तुम ये किसके लिए कर रहे हो, तुम ये किस लिए कर रहे हो ना, किसके लिए या किस लिए, तो फॉर होम। नेक्स्ट है अबाउट होम। अबाउट होम का मतलब होता है किसके बारे में, किसके बारे में, कि भाई तुम किसके बारे में बोल रहे हो, किसके बारे में बातचीत कर रहे हो। देखिए इन सब के एग्जांपल्स में हम आगे देखेंगे, अभी आप फिलहाल इनका मीनिंग जान लीजिए। अबाउट होम का मतलब होता है किसके बारे में। नेक्स्ट है टू वर्ड्स होम। टू वर्ड्स होम का मतलब होता है किसकी तरफ। अच्छा, टू वर्ड्स का मतलब होता है जब हम किसी डायरेक्शन में जाते हैं, किसी और जाते हैं, हिंदी में बोलते हैं और, किसी तरफ जाते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू वर्ड्स मार्केट, मतलब मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूँ, है ना। तो बाई होम। बाई होम का मतलब होता है किसके द्वारा। देखिए बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है द्वारा, और होम का मतलब होता है किसका या किसके, तो बाई होम किसके द्वारा। फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर का मतलब होता है कहाँ से या फिर जहाँ से। कहाँ से या जहाँ से, दोनों ही सेंसेज में आप फ्रॉम वेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप किसी प्लेस के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है फॉर व्हाट। फॉर व्हाट का मतलब होता है किस लिए या फिर जिस लिए, किस लिए या फिर जिस लिए, फॉर व्हाट। नेक्स्ट है आपका व्हाट फॉर। व्हाट फॉर का मतलब होता है किस लिए या जिस लिए। फॉर व्हाट या व्हाट फॉर दोनों को आप आगे पीछे बोल सकते हैं, लेकिन जो व्हाट फॉर है इसमें एक गड़बड़ है। क्या है कि सबसे पहले आपको व्हाट लिखना पड़ेगा, उसके बाद जो आपका सेंटेंस है उसको लिखना पड़ेगा, और फॉर सबसे लास्ट में आएगा। जैसे कि तुम आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि मतलब तुम किस लिए जा रहे हो, किस लिए घूम रहे हो, किस लिए ढूंढ रहे हो, इन सब के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ ब्यूटीफुल। हाउ ब्यूटीफुल का मतलब होता है कितनी सुंदर या कितना सुंदर या फिर कितना अच्छा, इन सभी सेंस में आप हाउ ब्यूटीफुल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ फार। हाउ फार का मतलब होता है कितना दूर या फिर कितनी दूर। कई बार आप बोलते हैं ना, भाई तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है, तो आप बोल सकते हैं हाउ फार के द्वारा इस सेंटेंस को, ठीक है। हाउ फार इज योर होम, तुम्हारा घर कितनी दूर है। नेक्स्ट है हाउ गुड। हाउ गुड का मतलब होता है कितना अच्छा, कितना अच्छा। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना लंबा, हाउ लॉन्ग कितना लंबा। हाउ ओल्ड का मतलब होता है बड़ा, यानी कि उम्र में जब आप अच्छा किसी से कोई उम्र पूछती है, जब आप ओल्ड का इस्तेमाल करते हैं ना कि तुम कितने साल, मतलब कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू, ऐसा बोलते हैं ना कई बार, तो ओल्ड का इस्तेमाल आप उम्र पूछने के लिए भी कर सकते हैं। और एक पुराना, पुराना वाले सेंस में भी ओल्ड का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हाउ सून। हाउ सून का मतलब होता है कितनी जल्दी, कितनी जल्दी। इन व्हाट वे। इन व्हाट वे का मतलब होता है किस तरह से, या फिर एक तो होता है तरह, एक होता है किस तरह से। इन व्हाट वे, जैसे तुम ये काम किस तरह से कर रहे हो, तो इन व्हाट वे आर यू डूइंग दिस वर्क, इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है एट वट वे। एट वट वे का मतलब होता है किस से, यानी कि किस किस वे से, किस तरीके से आप इसको कर रहे हो। नेक्स्ट है वट एल्स। वट एल्स का मतलब होता है और क्या, और क्या। वट एवर, वट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी, और वट सो एवर इसका मतलब भी होता है जो कुछ भी। आप चाहे वट एवर बोलो या वट सो एवर बोलो, जो सा आपको याद आ जाए वो आप बोल सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। नेक्स्ट है वट देन। वट देन का मतलब होता है तब क्या या फिर क्या, तब क्या या फिर क्या। वट टाइप ऑफ, वट टाइप ऑफ का मतलब होता है किस तरह का, किस तरह का, वट टाइप ऑफ किस तरह का। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है वेन एवर। वेन एवर का मतलब होता है जब कभी, जब कभी। और वेन एवर और वेन सो एवर इन दोनों का मतलब सेम है, आप चाहे इनको वेन एवर के द्वारा बोलो या वेन सो एवर बोलो, दोनों का मतलब एक है। नेक्स्ट है वेंस। वेंस का मतलब होता है कहाँ से या फिर जहाँ से, कहाँ से या फिर जहाँ से। वेयर एज का मतलब होता है जबकि, और वेयर इन का मतलब होता है जिसमें, और विच एवर का मतलब होता है जो कुछ भी, जो कुछ भी, विच एवर। तो इस तरह से आप इन डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ और हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे कि विच सो एवर। विच सो एवर का मतलब होता है जो कुछ भी। वट टाइप, वट टाइप का मतलब होता है किस तरह का। जैसे आप बोलते हैं ना तुम्हें किस तरह का फोन पसंद है, ठीक है, तो आप वट टाइप का, विच टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। हुएवर मतलब जो कोई भी। हुसोएवर इसका मतलब भी जो कोई भी। देखिए कई बार ना हम डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स के बाद एवर लगा देते हैं, है ना, और कई बार इनके बीच में सो को और एक्स्ट्रा लगा देते हैं, तो आप सो लगाया मत लगाओ दोनों का मतलब सेम है। नेक्स्ट है वाय सो। वाय सो का मतलब होता है ऐसा क्यों, वाय सो ऐसा क्यों, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, अब हम थोड़ा एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। आप विच एवर, अभी हमने देखा था विच एवर बोलो या विच सो एवर बोलो, दोनों का मतलब सेम है। विच एवर का मतलब होता है इनमें से जो कोई भी, इनमें से जो कोई भी। जैसे कि इनमें से जो भी पहले हो, तो आप बोल सकते हैं विच एवर इज अर्लियर। अर्लियर का मतलब होता है पहले। इनमें से जो भी पहले हो, विच एवर इज अर्लियर। जो कोर्स तुम्हें चाहिए ले लो, जो कोर्स तुम्हें चाहिए ले लो। तो टेक विच एवर कोर्स यू लाइक, टेक विच एवर कोर्स यू लाइक, जो कोर्स तुम्हें चाहिए ले लो। तो इस तरह से आप विच एवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेयर एज। वेयर एज का मतलब होता है जबकि, जैसे कि जबकि आप पागल हो तो बोल सकते हैं वेयर एज यू आर मैड, वेयर एज यू आर मैड, जबकि तुम कुछ नहीं कर सकते। वेयर एज यू कांट डू एनीथिंग, वेयर एज यू कांट डू एनीथिंग, जबकि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एट वट टाइम, मतलब आप समय पूछ रहे हैं भाई तुम कब तक, यानी कि लास्ट जब आप सेंटेंस पूछ रहे हैं कब तक आओगे, किस समय तक आओगे, तो आप एट वट टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि तुम कब आ रहे हो, तो बोल सकते हैं एट वट टाइम आर यू कमिंग, एट वट टाइम आर यू कमिंग, वह किस समय आएगी, तो बोल सकते हैं एट वट टाइम विल सी कम, एट वट टाइम विल सी कम, वह किस समय आएगी। तो इस तरह से आप एट वट टाइम का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है व्हाटएवर। व्हाटएवर का मतलब होता है जो कुछ भी, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग, जो कुछ भी तुमने कहा, व्हाटएवर यू सेड, व्हाटएवर यू सेड, जो कुछ भी तुमने कहा, व्हाटएवर यू सेड। नेक्स्ट है व्हेनेवर। व्हेनेवर का मतलब होता है जब कभी, जैसे कि जब कभी तुम आओ, व्हेनेवर यू कम, व्हेनेवर यू कम, जब कभी वो देखे। व्हेनेवर सी वॉचेस, व्हेनेवर सी वॉचेस, जब कभी वो देखे। नेक्स्ट है विच। विच का इस्तेमाल करते हैं हम किसका या फिर कौन सा। अच्छा, विच का इस्तेमाल हम करते हैं किसी वस्तु के लिए, किसी निर्जीव वस्तु के बारे में बताने के लिए हम विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, तो बोल सकते हैं विच बुक डू यू रीड, या फिर तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, दोनों में आप इसका यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर पढ़ रहे हो बोलते हैं हम, तो हम बोल सकते हैं विच बुक आर यू रीडिंग, तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो, तुम कौन सी किताब पढ़े हो, मतलब अभी पास्ट की तरफ यदि आपको लेकर जाना है तो आप डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, विच बुक डिड यू रीड। इस तरह से मैं कौन सी कार खरीदूं, तो बोल सकते हैं विच कार शुड आई बाय, विच कार शुड आई बाय, मैं कौन सी कार खरीदूं। कुछ बच्चे यहाँ पर सेल का इस्तेमाल भी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हु का मतलब करते हैं किसी व्यक्ति के लिए जब आपको यूज करना होता है, और इसका मतलब होता है कौन। जैसे कि थी तुम कौन हो, तो बोल सकते हैं हु आर यू, हु आर यू, वे कौन है, तो बोल सकते हैं हु आर दे, हु आर दे, वे कौन है या तुम कौन हो, तो आप हु का इस्तेमाल के द्वारा इस सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट है हुएवर। हुएवर का मतलब होता है जो कोई भी, हुएवर जो कोई भी।
जैसे कि तुम जो कोई भी हो, तो बोल सकते हैं हु एवर यू आर, हु एवर यू आर। जो कोई भी पहले आएगा तो बोल सकते हैं हु एवर कम्स फर्स्ट, हु एवर कम्स फर्स्ट, जो कोई भी पहले आएगा। तो इस तरह से आप हु एवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी। मैंने आपको बताया था हाउ मेनी का मतलब होता है कितना या कितने, और किसी वस्तु को गिना जा सके उस सेंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जो गिनने वाली वस्तु होती हैं। जैसे आपने एक डायलॉग सुना होगा ना, कितने आदमी थे, तो बोल सकते हैं हाउ मेनी पीपल। ठीक है, कितने आदमी हैं या कितने आदमी थे, आपने हिसाब से बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट है तुम कितने दिन लोगे, तो बोल सकते हैं हाउ मेनी डेज विल यू टेक, हाउ मेनी डेज विल यू टेक, तुम कितने दिन लोगे। तो इस तरह से आप हाउ मेनी का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है हाउ मच, हाउ मच का मतलब भी होता है कितने, और हाउ मेनी का मतलब भी होता है कितने। तो हाउ मेनी को तो गिन सकते हैं, लेकिन हाउ मच को गिन नहीं सकते, ये क्वांटिटी में आपको लेना पड़ेगा। जैसे कितना पानी, तो पानी को हम क्वांटिटी में लेते हैं ना, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, ऐसे। तो हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर, कितना दूध, तो बोल सकते हैं हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क, कितना दूध। इस तरह से आप हाउ मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हुज, हुज का मतलब होता है किसका या फिर जिसका, किसका या फिर जिसका, तुम किसका काम कर रहे हो, तो बोल सकते हैं हुज वर्क आर यू डूइंग, हुज वर्क आर यू डूइंग, वो कार किसकी है, तो बोल सकते हैं हुज कार इज दैट, हुज कार इज दैट, वो कार किसकी है। तो इस तरह से आप हुज का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है एवर सिंस, एवर सिंस का मतलब होता है जब से, जब से तुम गए हो, एवर सिंस यू हैव गॉन, एवर सिंस यू हैव गॉन, जब से तुम गए हो, इस तरह से, जब से वह आया है, तो बोल सकते हैं एवर सिंस ही हैज कम, एवर सिंस ही हैज कम। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी WH वर्ड्स को देख सकते हैं। तो हमारा जो कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपकी वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।